ब्रेक के बाद का स्वागत है। प्रदेश जूडो एसोसिएशन की ओर से 8 से 10 नवंबर तक आयोजित की गई स्टेट सीनियर और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए नूरपुर की बेटियों ने एक स्वर्ण, एक रजत व 4 कांस्य पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से नूरपुर का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। प्रदेश जूडो एसोसिएशन की ओर से 8 से 10 नवंबर तक आयोजित की गई स्टेट सीनियर और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में कांगड़ा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए नूरपुर की बेटियों ने एक स्वर्ण, एक रजत व 4 कांस्य पदक जीते हैं। खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से नूरपुर का नाम प्रदेश भर में रोशन किया है। नूरपुर की अनीता ने स्वर्ण, ज्योति ने रजत व सोमी देवी ने कांस्य पदक जीता। अंजलि जरियाल ने कांस्य और लवली व अंबिका ने भी कांस्य पदक अपने अपने वेट वर्ग में जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने वाली अनीता का चयन अगले महीने लखनऊ में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया है, जहां वह हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। सभी खिलाड़ी राजकीय आयर कॉलेज नूरपुर की छात्राएं हैं। अनीता ठाकुर ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि वे नेशनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी और जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। मैं अनीता ठाकुर नूरपुर के कुखेड़ गांव से बिलोंग करती हूं। मैंने 2018 में दिल्ली में एमएमए चैंपियनशिप खेली थी, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और इसके अलावा मैंने बड़ी सारी गेमों में पार्टिसिपेशन किया है, जिसमें मैं हर बार मेडल लेके आती हूं। और अभी फ़िलहाल मैं शिमला में जो जूनियर और सीनियर सेशन में कंपटीशन हुए थे, उन पर मैंने जूनियर सेशन में पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें मैं अपने बार वर्ग में मेडलिस्ट हूँ। और इसी के साथ हमारे जो नेशनल के चैंपियनशिप है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में होने वाली है। और इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पूरे विश्वास के साथ बोलना चाहती हूँ कि मैं इसमें भी गोल्ड मेडल लेकर आऊँगी।